हेलो फ्रेंड्स, मैं मंदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 34 साइज़ का बैकनेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो देखिए, मैं ये मेरा मेन फैब्रिक है और ये अस्तर का कपड़ा है। अस्तर के कपड़े को हम इस तरीके से यहाँ पर फोल्ड करके रख लेंगे और इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मेजरमेंट लीजिएगा डीप नेक का। सबसे पहले मैं यहाँ पर टोटल लंबाई ले रही हूँ, तो जितनी भी लेंथ आपको तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके लीजिएगा। टोटल लंबाई मैंने रखी है 14.5 इंच और यहाँ पर देखिए मार्किंग किया है डीप नेक के अकॉर्डिंग। मैंने शोल्डर के लिए 5 इंच पर 34 साइज़ का ये ब्लाउज़ है। आर्म होल लिए हैं 5.5 इंच और चेस्ट का चौथा भाग यहाँ पर लेंगे 8.5 इंच। 1.5 इंच का एक्स्ट्रा रखा है मैंने मार्जिन। मार्जिन आप चाहें तो 2 इंच का भी ले सकते हैं। 0.5 इंच बाहर की तरफ लेते हुए तिरछी लाइन बनाएंगे और बाहर वाली लाइन से आर्म होल की गोलाई करेंगे। नीचे कमर का मेजरमेंट लेना है। कमर 28 इंच है, उसका चौथा भाग मैंने यहाँ पर लिया है 7 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा और लिया है कमर की प्लेट्स के लिए। तो देखिए मार्किंग मैंने यहाँ पर कर ली है, अब हमने इसे कट कर लेना है। कट करने के बाद मेन फैब्रिक पर रखकर इसकी कटिंग कर लेंगे। मेन कपड़े पर मैंने इसे कट कर लिया है। अब हमें लेना है गले का मेजरमेंट। गले की जो विड्थ है वो रखी है मैंने यहाँ पर 2.25 इंच की, आप 2 इंच भी ले सकते हैं। और गले की टोटल लंबाई देखिए मैंने एक बार यहाँ पर मार्किंग किया है 9.5 इंच पर और इसके बाद 2 इंच नीचे की तरफ से मार्क कर रही हूँ। विड्थ में मैंने मार्क किया है 3 इंच, 3 से 3.5 इंच आप कर सकते हैं। एक स्क्वायर बॉक्स बना लेंगे और बॉक्स के यहाँ पर हमने इस तरीके से शेप देना है। तो मैंने इसे मीडियम ही रखा है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं किया है। अगर आप थोड़ा डीप पहनना चाहते हैं तो इसे आप ब्रॉड करके भी ले सकते हैं। तो देखिए गले की मार्किंग कर ली है, गले को मैंने कट भी कर लिया है। अब हमने करनी है इसकी स्टिचिंग। मैंने इसमें पेपर पेस्टिंग का यूज़ नहीं किया है, आप चाहें तो पेपर पेस्टिंग भी लगा सकते हैं। तो अच्छे से देखिए मैंने यहाँ पर पिन लगा दी है और अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए यहाँ पर हमने फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा लेनी है इस पर। पूरे ही नेक के ऊपर मैंने सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लिया है। अब हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है और पूरे ही नेक के ऊपर छोटे छोटे कट लगा देंगे। ये कट लगाने से गला जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से पलट के सीधा हो जाता है। तो कट हमने यहाँ पर इस तरीके से लगा लेने हैं। अब हम एक सिलाई अस्तर के कपड़े को इस तरफ करते हुए अस्तर वाले कपड़े पर लगाएंगे। अब हमने गले को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है और एक सिलाई ऊपर फिनिशिंग के साथ लगा लेनी है। ये देखिए मैंने यहाँ पर फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा ली है। इसके बाद हमने बाहर की तरफ से सिलाई लगानी है इस पर। बाहर वाली सिलाई लगाते समय आप हाथ से फिनिशिंग करते जाएं ताकि अंदर की तरफ कोई भी सेल या क्रीज बिल्कुल भी ना आए। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है। अब हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। जितना भी फैब्रिक बाहर की तरफ है उसे कट करके निकाल देंगे। अब हमने डिज़ाइन बनाने के लिए न्यूज़पेपर लेना है। न्यूज़पेपर को डबल फोल्ड करके बंद भाग को अपनी तरफ रखेंगे और डबल फोल्ड करते हुए बैक पार्ट को इसके ऊपर रख लेंगे। 2 इंच पर इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे गोलाई देते हुए। अब इस पैटर्न को हमने कटिंग कर देना है। बाहर की तरफ से थोड़ा सा बढ़ाते हुए कटिंग करेंगे। अब इसके लिए डिज़ाइन तैयार करनी है। तो डिज़ाइन तैयार करने के लिए मैंने 1.5 इंच की चौड़ाई में पट्टी कट किया है। पट्टी को मैंने यहाँ पर सीधा ही कटिंग किया है। डबल फोल्ड करते हुए सीधी सीधी सिलाई हमने इस पर लगा लेनी है इस तरीके से। पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए सीधी सीधी सिलाई मैंने लगा ली है। इसके दूसरे कॉर्नर पर भी सिलाई लगा देंगे ताकि पट्टी अच्छे से बैठ जाए। पट्टी को अब हमने यहाँ पर अटैच करना है। तो इस तरीके से देखिए पास पास में बहुत ज़्यादा गैप नहीं दिया है, थोड़ा सा गैप देते हुए पट्टियों को इस तरीके से लगा लेना है।
पूरा जो न्यूज़पेपर है वो हमने पट्टियों के साथ कवर कर देना है और नीचे अच्छे से मार्किंग कर लेंगे और पट्टियों को यहाँ पर जमाते हुए हमने सिलाई लगा देनी है। ये देखिए, इस तरीके से अच्छे से पट्टियों को सेट करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। ऊपर से और नीचे से एक्स्ट्रा पट्टियों को हमने कट करके निकाल देना है। इसके बाद देखिए, मैंने चौकोर कपड़े के पीसेस लिए हैं जिनकी लंबाई चौड़ाई 2.5 इंच की है, 2.5 इंच की, और इनके हमने ट्रायंगल्स फोल्ड कर लेने हैं इस तरीके से। तो देखिए, पैटर्न मैंने तैयार कर लिए हैं, इनके एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे और यहाँ पर नीचे वाले भाग पर पैटर्न को अटैच करेंगे। तो ये जो हमने मार्किंग किया हुआ था, मार्किंग के ऊपर ही इन्हें अटैच करना है। नीचे वाले भाग पर मैंने अटैच किए हैं इस तरीके से। अब इसके ऊपर वाले पार्ट पर आप पट्टी लगा सकते हैं या पाइपिंग लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर पट्टी लगा रही हूँ क्योंकि मैं इसके ऊपर लेस अटैच करूँगी। आप चाहें तो पाइपिंग भी लगा सकते हैं। पट्टी को सबसे पहले देखिए, मैं डबल फोल्ड कर रही हूँ ताकि लगाने में हमें आसानी रहे। अगर आप पाइपिंग बनाते हैं तो पट्टी की चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा करके लीजिएगा। अब पट्टी को हमने इस तरीके से देखिए यहाँ पर रख लेना है और एक सिलाई लगा देनी है। एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल देंगे। अब हमने एक सिलाई देखिए पट्टी को इस तरफ करते हुए लगा लेनी है और अब हम पट्टी को कर लेंगे अंदर की तरफ फोल्ड। फोल्ड करने के बाद हमने इसके ऊपर लेस अटैच कर देना है। ये देखिए, पट्टी के ऊपर मैंने लेस लगा दी है। तो ये पैटर्न हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसे अटैच करेंगे हम अपने ब्लाउज के साथ। ये देखिए, इस तरीके से हमने यहाँ पर इसे रख लेना है और पिन लगा देंगे। पिन लगाने के बाद ही आप इस पे सिलाई लगाएं। पिन लगाने के बाद हमने अच्छे से यहाँ पर इसे अटैच कर देना है इस तरीके से। ये देखिए, मैंने यहाँ पर इसे अटैच कर लिया है। ये पैटर्न हमारा कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसके ऊपर लेस लगा रही हूँ। अगर आप सिंपल रखना चाहें तो पैटर्न को आप सिंपल भी रख सकते हैं या फिर आप इस तरीके से यहाँ पर लेस भी अटैच कर सकते हैं। तो जहाँ पर हम गले का शेप देते हुए लेस लगाएंगे वहाँ पर हमने इसे प्लेट्स डाल देनी है। तो देखिए, इस तरीके से यहाँ पर प्लेट्स लगा लेंगे और एक सिलाई लेस के ऊपर और लगाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक सिलाई लेस पर और लगा ली है और ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। इसका जो न्यूज़पेपर है वो आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप न्यूज़पेपर को निकाल लें। अब मैं इसके नीचे अटैच करूँगी कमर में प्लेट्स और कमर पट्टी। तो पहले हमने न्यूज़पेपर को निकाल देना है, फिर सेंटर से कपड़े को फोल्ड करते हुए प्लेट्स लगाएंगे। दूसरी तरफ भी हमने सेंटर से कपड़े को फोल्ड करते हुए प्लेट्स लगा देनी है। अब हम अटैच करेंगे नीचे की तरफ कमर पट्टी। तो नीचे से आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए कमर पट्टी को अटैच कर लेंगे। एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए लगा लेंगे। अब हमने कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है और एक सिलाई ऊपर फिनिशिंग के साथ लगा लेनी है। इसी के साथ ये जो नेक डिज़ाइन है वो बनके कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको आज का मेरा ये डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।